जब कभी भी फास्ट सॉन्ग पर स्ट्रमिंग की जाती है तो मैंने ज्यादातर गिटारिस्ट को स्ट्रगल करते हुए देखा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर वोकल और आज आप सीखने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रमिंग जो कि फास्ट सॉन्ग के लिए मास्टर की का काम करेगी। तो इससे पहले लेसन की स्टार्टिंग करें, आप बेल आइकन ऑन करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो पहले एक डेमो देखते हैं, फिर सीखेंगे कि ये रिदम कैसे बजेगी। 2 3 4 रिदम 8 काउंट की है जिसमें हम 9 स्ट्रोक्स कवर करेंगे और ये रिदम हम दो फेज में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट फेज में हमें क्या करना है, तो 1 नंबर स्ट्रोक हम किक का ले रहे हैं, 2nd नंबर स्ट्रोक हम एक कैरम स्ट्रोक इस स्ट्रिंग पर ऐसे मारेंगे, 3rd नंबर पर हम स्लैप देंगे और 4th नंबर हम अप स्ट्रोक लेंगे। तो ये टोटल 4 काउंट हो गए जिसमें हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सेकेंड फेज में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रोक सेम है, हम ऐसे किक दे रहे हैं, सेकेंड स्ट्रोक पर हमने कैरम स्ट्रोक बजाय स्ट्रिंग पर देने के हमने इस वुड पर दिया 2 और 3rd नंबर पे हमारा ये हाथ यहां आकर स्लैप करेगा, 4th नंबर पर ये हाथ हमारा स्लैप करेगा और तब तक ये हाथ हमारा यहां पहुंच चुका होगा और 5 नंबर अप स्ट्रोक लेंगे। यानी अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें, सेकेंड फेज की बात करें तो ये कुछ ऐसा बजा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यानी 5 नंबर पर हमें जो भी हम कॉर्ड प्ले कर रहे होंगे वहां पहुंचना है, इस हाथ को यहां से यहां वापस लाना है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो अब हमें ये दोनों फेज को मिक्स कर देना है और मिक्स करके कुछ पहले वाला और दूसरा वाला साथ में ऐसे बजेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब ये दोनों फेज को कंबाइन करके हम कोई भी सॉन्ग गा सकते हैं। बच
ऐसे ही नए फिंगर स्टाइल गिटार के लेसन देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुपर भोकाल। थैंक यू फ्रेंड्स।